नमस्कार दोस्तों। कल तो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट पे रिएक्ट किया था मार्केट, लेकिन गिरावट नहीं आई थी। लेकिन आज जो मार्केट का मूड माहौल था, उसके हिसाब से तो गिरावट होनी ही थी और हो गई है। रतन इंडिया पावर में 5% की गिरावट हुई है, या कह लें 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा है। शाम को ही लगा था लोअर सर्किट, कह लें कि वहीं 1 बजे के बाद जो है लोअर सर्किट पे पूरा पैक हो गया। नहीं तो लोअर सर्किट टच कर रहा था लेकिन छूट जा रहा था, मतलब ट्रेडिंग हो रही थी, बेच खरीद सकते थे। लेकिन फाइनली जो है लोअर सर्किट लग गया शाम को, और फिर जो है यहाँ पे देख सकते हो 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो चुका है आज। 32 करोड़ रुपये, या कह लें 33 करोड़ रुपये के शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 49% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, सर्किल लिमिट 5% है। अब देखिए रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट तो वीक ही आया था, क्योंकि सुधर जाना चाहिए था कम से कम। और 2-3 पॉइंट जो निगेटिव थे, मैं बता चुका था आप लोगों को कि इनकम में गिरावट इसकी आ गई है, खर्चा बढ़ चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस वजह से जो है घट चुका है, और वहीं जो है हम लोगों को दिक्कत देखने के लिए मिला। और इसी वजह से 1 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस हुआ, और स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करेंगे तो 3 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस यहाँ पे हुआ है, जबकि बढ़िया सा डेट वोट कंपनी ने पेमेंट किया हुआ है, सब कुछ सही हो रहा है। अब देखिए मार्केट के गिरावट की वजह से ये गिरावट हुई है, ना कि रिजल्ट की वजह से, क्योंकि रिजल्ट पे मैं वीडियो बनाया था ना कल, कि कल जब रिजल्ट इसका आया था कहाँ गया है यहाँ पे ये वाला। तो ठीक है, रिजल्ट के दिन, मतलब रिजल्ट जिस दिन रिएक्ट करता है रिजल्ट पे मार्केट, उस दिन गिरावट नहीं आई। अगर ओपन मार्केट में रिजल्ट आ जाता है तो उसी कैंडल को हम लोग रिजल्ट वाली कैंडल कहते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आता है तो अगले दिन वाली कैंडल को हम लोग रिजल्ट वाली कैंडल कहते हैं, और वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिजल्ट बढ़िया आया है, खराब आया है, तो कभी भी उसमें बड़ी छोटी कैंडल बन जाती है। बढ़िया बढ़िया वो वाली कैंडल इसमें बढ़िया बनी थी, लेकिन उसके बाद आज वाली कैंडल फिर से, क्योंकि उस वाली कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन तो था, नीचे से रिकवरी भी बहुत बढ़िया था। ओपन हुआ था ये वाले लेवल पे 13 रुपये 50 पैसे पे, नीचे गया क्योंकि रिजल्ट वीक था, तो पहले नीचे गया, उसके बाद रिकवरी किया और 14 रुपये 40 पैसे तक गया था। हालांकि फिर से ऊपर से सेलिंग आई, तो फिर जो है यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत देखने के लिए, मतलब कल इसकी जो ट्रेडिंग हुई थी तो उसको मार्केट ने सही माना था। मतलब रिजल्ट पे उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था कि यहाँ पे ओपन होके नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया और फिर जो है नीचे आके क्लोज किया कैंडल, तो बढ़िया थी। लेकिन आज क्या हुआ कि आज ओपन होते ही पहले तो एक सेलिंग आ गई, और उसके बाद जो है वहीं पे लोअर सर्किट पे कंसोलिडेट कर करके वहीं पे जो है कंसोलिडेट कर रहा था कि मार्केट में कोई रिकवरी आए तो इसमें भी आए। यहाँ से देख लो पैनिक एक गिरावट आई, उसके बाद वहीं पे लोअर सर्किट पे कंसोलिडेट करके, और फाइनल शाम होते होते तो लोअर सर्किट लग भी चुका था। अगर अभी इसमें हम लोग एमओ ऑर्डर देखेंगे तो वहीं 2.5 लाख के इक्विटी शेयर एमओ ऑर्डर पे अभी भी सेलिंग साइड ही लगा हुआ है, बाइंग साइड अभी भी क्वांटिटी कुछ नहीं लगी हुई है। अगले दिन का अभी तो मतलब लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं आया है, आएगा तो चलिए मैं संडे को बता दूंगा आप लोगों को, सैटरडे को, कि क्या अगला दिन का है। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि कल भी मैं बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ करना नहीं है। अब हम लोगों को एक बार के लिए थोड़ा सा इसमें से एग्जिट लेना है। एग्जिट क्यों लेना है, क्योंकि हमारा लास्ट लेवल अब जो है ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल 13 रुपये का जो मैं आप लोगों को लेवल बताया था उसी 13 रुपये के लेवल पे आ चुका है। अब ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें भाई एक पैनिक गिरावट फिर से आ सकती है, और ये 10 रुपये तक भी नीचे के साइड में जा सकता है, या फिर जुगाड़ धरेगा तो 8-10 के आसपास जाएगा। और मतलब मार्केट अगर चलिए बदल जाता है एकाबैक सब कुछ, तब तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट अगर इसी तरह से रहा तो ये 9-10 रुपये तक जाने के लिए तैयार हो चुका है, और दिक्कत है अभी। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर सोमवार को, बस इतना ध्यान दीजिएगा, सोमवार को अगर 13 के नीचे जो है ओपनिंग देता है या फिर जो है गिरता है, तो फिर एक बार के लिए एग्जिट करिएगा, फिर खरीदेंगे अगर रिवर्सल आ जाएगा बाई चांस तो 14 रुपये 30 पैसे के ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अगर मुझे फॉलो करते हैं तो, कि अगर कल जो है यहाँ से एक गिरावट आती है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे इसको, और फिर अगर कभी रिकवरी आएगी तो 14 रुपये 40 पैसे के ऊपर जब जाएगा तब इसमें खरीदारी करेंगे, और वहाँ से एक बड़ी तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये चीज़ मैं यहीं से बता दिया था कि इस बार इसमें जो है गिरावट आएगी जब ये 3 कैंडल बनी ना, मतलब ये 3 ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद ये जो 2 रेड कैंडल बनी, तभी मैं बता दिया था कि अब थोड़ी सी इसमें जो है ज़्यादा गिरावट होगी, और एक बार के लिए 14 रुपये या 13 रुपये का लेवल टच करने के लिए जाएगा, और देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक
ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा। फिलहाल में कोई न्यूज़ नहीं आई है कंपनी की तरफ से, ठीक है ना।